अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज फार्म पर इस वक्त आ चुके हैं, और दूसरा जो है आज एक तो कुछ जानवरों को चोट लगी हुई है, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन करनी है, कैसे करनी है, किस किस जानवर को चोट लगी हुई है, वो सारा इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना है। और दूसरा जो है ना कुछ जो है सर्दी के हवाले से ये जो है ना कीचड़ वगैरह बना हुआ है, जो कि पानी की वजह से और जो सुसु बड़े जानवर करते हैं उस वजह से होता है। और आपको पता सर्दी का मौसम है, पिंजरों को हम गीला नहीं छोड़ सकते, इसी की वजह से हमने घास वाली मिट्टी भी डलवानी है पिंजरों के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों। आपको जो है घास वाली मिट्टी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये घास वाली मिट्टी क्या होती है, ये वो मिट्टी होती है जो कि रेत और मिट्टी का मिक्सअप होता है। तो अब चलते हैं, आपको जो है ना सारी रूटीन मेडिकेशन वाली भी आपके साथ शेयर करते हैं, और घास वाली मिट्टी की भी आपके साथ शेयर करते हैं, और इजी वे से आपको जो है ना इनकी केयर करने का तरीका समझाते हैं। तो जुड़े रहे मेरे इस व्लॉग के साथ। ये फाइनली जो है ना फार्म से बाहर आ गए, और ये देखें रेत पड़ी हुई है, इसमें जितना भी पानी बारिश का पानी या जो भी पानी होता है ना, तो वो अच्छे से ये जो मिट्टी है ना उसको सक कर लेती है। अब असद ये ट्राली भर रहा है, ट्राली भर के अंदर जाके जो है ना केजीज में डाल देंगे, ताकि जो है ना जो छोटे मोटे होल हैं वो भी भर जाएं, और जहाँ छोटा मोटा पानी आके रुक जाता है, पानी ठहरा हुआ है, तो ये जो है ना उधर फेंक देंगे, ताकि ये मिट्टी को जज्ब भी कर देगी और होल भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें अभी असद इसको फुल कर लेगा ट्राली को, ये देखें आप, ये फाइनली असद ने ट्राली भर ली है। अब इसको जो है ना अंदर लेके जा रहे हैं फार्म के, और जहाँ जहाँ पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, और साथ के साथ आपके साथ शेयर भी करते हैं। ये देखें ये सब एहतियात के साथ जो है ना मिट्टी को केज के अंदर लेके जा रहा है, और ये केज फिलहाल जानवरों से क्लियर कर दिया, जानवर साइड पर कर दिए, ताकि जो है ना कोई मेंटली तौर पे परेशानी ना हो कि जानवर अंदर है काम कैसे होगा। तो अंदर ले जाके फिर आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पर मिट्टी गिरानी है। ये देखें ये थोड़े थोड़े एरियाज में, ये देखें ये गीली जगह रह जाती है, ये देख सकते हैं, और हॉल भी हैं, तो इसलिए इस वजह से यहाँ देखें ये सारी जगह गीली हुई हुई है। तो यहाँ पे अच्छे से पराली गिराएंगे, ये पराली वाली मिट्टी, घास वाली मिट्टी सॉरी इसको बोलते हैं, तो ये घास वाली मिट्टी गिराएंगे, और जो है ना ये एक तो होल भी क्लियर कर देगी, और जो है ना गीली जगह जो है इसको जो है ना पानी को सक भी कर लेगी, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ से थोड़ी थोड़ी गिराता रहेगा, फिर कई के साथ ना इसको सेट करता रहेगा। और ये देखें टाइगर भी हमारे पास आके खड़ा हो गया और देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये देखें ये देखें टाइगर हमारी नकल हरकत को देख रहा है। बस 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 अब जाते हैं उस तरफ और जाके ये जहाँ जहाँ पर घास वाली मिट्टी रिक्वायर थी वहाँ पर फेंक दिया, ट्राली खाली हो गई है। अब असद देखें अच्छे से जो है ना उसको फैला रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये होल भी जो है क्लियर कर देगी और पानी को भी जज्ब कर लेगी। ये घास वाली मिट्टी जो होती है ना, ये मिट्टी और रेत का मिक्सअप करके तैयार होती है ये, और ये जो है ना जिन लोगों ने घोड़े वगैरह या भैंसे वगैरह इस तरह के जानवर रखे हुए होंगे, उन्हें घास वाली मिट्टी का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये थोड़ी सी आम मिट्टी से होती तो महंगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस पर अगर बारिश हो जाए, बारिश का पानी भी नहीं रुकता, ये बारिश के पानी को भी अच्छे से जज्ब कर देती है और कीचड़ नहीं होने देती, इसकी ख़ास बात जो है मेन। इस एरिया में भी काफ़ी पानी था और काफ़ी गीली मिट्टी थी, अब असद जो है ना ये घास वाली मिट्टी को अच्छे से जो है ना इधर फैला रहा, ताकि जो है ना पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, कीचड़ ना बने, और जो है ना जानवरों के जिस्म जो है ना गीले ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है आपको पता है, तो जानवरों के बीमार होने का बड़ा ख़तरा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें और जैनी बाहर बैठी हुई है, ये देखें हमारी नकल हरकत को देख रही है। तो दोस्तों फाइनली जो है ना बेला को हमने अलग कर लिया है, उसका रीज़न ये है कि इसकी मेडिकेशन करनी है। आज इसके हमने देखे हैं कि शरारतों के दौरान कुछ ज़ख्म लगे हुए हैं, अब हम इसके पास आ गए हैं, ये देखें बिल्कुल सामने बैठी हुई है हमारे। असद लगाओ इसको, देखो किस किस जगह पे ज़ख्म है,
एक इसकी दुम वाली जगह पे जख्म है वहां भी लगाना है, और बाकी भी चेक करेंगे बॉडी पे जहां जहां कोई जख्म शरारतों की वजह से कोई चोट लगी हुई है उसकी प्रॉपर मेडिकेशन कर देंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गलत साइड पे बैठी हुई है, जिस साइड पे जो साइड इसकी फट्टे पे लगी हुई है ना उस साइड पे इसके जख्म है। अब इसको थोड़ा सा डरा के उठाते हैं ताकि ये अपनी साइड चेंज करे, आपको जख्म दिखाते भी हैं और इसकी प्रॉपर मेडिकेशन भी करते हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन इसकी मेडिकेशन करेंगे तो ये इसका जख्म साफ क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये दुम के बिल्कुल पास एक बड़ा सा जख्म बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं ब्लड भी निकल रहा है। अब जो है ना इधर नो, अब असद आता है दोबारा अंदर और इसकी प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं, और मेडिकेशन करने के बाद थोड़ी देर इसके पास खड़े भी रहेंगे ताकि ये अपने जिस्म के इस जख्म पे जबान ना लगाए और इसको शक ना करे, ताकि जो है ना इसका जिस्म ये जख्म खराब ना हो। चलो जाएं बेला, ये देखें जी ये असद अब अच्छे से ये देखें फिर उसी साइड को छुपा के बैठ गई है, लेकिन इसको बनाना तो पड़ेगा ना। चलो बेला चलो 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 लगा 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 मुझे दिखा, ये मैंने इससे उठा लिया और ये देखें जी एक दो दफ़ा भी लग जाए तो ये जो है ना इसकी अच्छे से इसकी फिटिंग हो जाती है। नो ये देखें इसे अच्छे से लगा दिया होल में, ये आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी देर इसके साथ ही रहेंगे ताकि जो है ना ये जख्म की उस जगह को जो है ना शक ना करे, ताकि जो मेडिकेशन है ना वो इसके मुंह में ना जाए और इसके लिए कोई मसला ना बने। जबकि आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कैसे हमारे सामने बैठी हुई है बिल्कुल। और इसके बाद जो है ना वो कॉमन वाली जो फीमेल है उसके भी एक दो जगह पर ज़ख़म है, उसकी भी मेडिकेशन करनी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद सूजी का भी छोटे मोटे ज़ख़म है, आपस में शरारतें करती हैं ना जब ये, तो इनके ज़ख़म लग जाते हैं। लारा को जो है ना फ़िलहाल इस रूम में बंद किया हुआ है ताकि जो है ना उन सब जानवरों की मेडिकेशन कर लें, और फिर इसको जो है ना जिस एरिया में बैला है उस एरिया में शिफ्ट कर देंगे। ये देखें कितनी उतावली हुई हुई है और ये कह रही है मुझे बाहर निकालो, मैंने जो है ना ओपन एरिया में रहना, लेकिन जब तक इनकी मेडिकेशन पूरी नहीं होती तब तक ये इसी एरिया में रहेगी। अब हम फाइनली आ गए हैं बड़ी गैलरी में, और ये देखें असद एहतियात के साथ कॉमन वाली फीमेल के पास जा रहा है और इसके भी जख्मों पर जो है ना मेडिकेशन करनी है। इसकी जो है फ्रंट वाली लेग पर ये देखें अच्छे से, ये देखें ये आप देख सकते हैं पास में इसके जाता हूँ, ये देखें ये इंशाल्लाह एक दो दफ़ा लगेगी, ये देखें ये देखें ये देखें बस। अब हम इसके पास ही रहेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये अपनी जो है ना उस जगह को शक ना करे, ताकि जो है ना जो मेडिकेशन है इसके मुंह में ना लगे। उसके बाद असल सूजी को देखो, सूजी को किधर ज़ख्म है, ये देखें फाइनली इसकी भी प्रॉपर मेडिकेशन हो गई है। उसके बाद सूजी की बारी है, सूजी को करते हैं क्योंकि ये आपस में इकट्ठी होती है ना, तो कॉमन वाली सूजी के साथ शरारत सूजी, ये देखें सूजी की भी असर लगा रहा है बॉडी पर जहाँ ज़ख्म है, तो सूजी जो है बेला के साथ, बेला सूजी के साथ कॉमन वाली फीमेल, तो आपस में शरारतें करते हैं जिनके पास बात जो है ना अमूमन इनको चोट लग जाती है। ये देखें कैसे मेरे पास आके खड़ी हुई है ये, और ये देखें नो, ये देखें असद भी सूजी के पास खड़ा हुआ। अब 10-15 मिनट अभी इसी एरिया में रहेंगे ताकि जो है ना ये जो मेडिकेशन जो है इनकी बॉडी में अच्छी से नो जज्ब हो जाए, और जब जज्ब हो जाएगी तो फिर हम बाहर चले जाएंगे। ये देख, और जैनी को आज फिलहाल इधर बांधा हुआ, ये देखें ये फाइनली असद जो है बेला को दोबारा कच्चे वाले एरिया में शिफ्ट कर रहा है और इन सब जानवरों को इकट्ठा कर रहा है। ये देखें ये देखें हौजियों में पानी भी फ्रेश भरना है, अभी जो है हौजियों में पानी भी भरा, ये देखें फिर इन्होंने इकट्ठे होते ही दोबारा शरारतें स्टार्ट कर दी हैं जैसा कि इनकी आदत है। लेकिन ये अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ शरारतें करती हैं ना, चले इनका जो है डाइट अच्छे से हजम हो जाती है, ज़रा एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ जोर लगाती हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ अगर कुछ ज़्यादा अटैक वाला काम हो जाए वो बुरी बात है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ शरारतें करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, हल्का फुल्का बाइट कर देना, ये इनके लिए बेहतर है। ये देखें जी ताज़ा मोटर चला कर पानी भर रहे हैं, और जानवर भी देखें फ़ौरन पानी पीने आ रहे हैं। ये देखें आप कॉमन वाली फीमेल आई हुई है, अभी जो है ना जैसे ही असद पीछे होगा बेला भी आ जाएगी, सूजी भी आ जाएगी, जबकि बेला जो है अभी वॉक कर रही है, आप देख सकते हैं अपनी डाइट को अच्छे से हजम कर रही है। ये देखें, और ये जैनी बाहर फुल शरारतों के मूड में है कि किसी तरीके से बस मैं शरारतें करूं। ये देखें अब ये इस एरिए की भी अच्छे से सफाई कर देंगे, क्योंकि मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, ये डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, फिर ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे जो है हमने अंदर जहाँ पर छोटे छोटे खड्डे थे जो कि शेरों ने नेल्स के ज़रिए बनाए हुए थे उनको भी कवर कर दिया ताकि ज़मीन बराबर हो जाए और जो है जो जानवरों को चोट वगैरह लगी हुई थी बैला को कॉमन वाली फीमेल को सूजी की तो पुराना ही ज़ख्म था तो उनकी भी प्रॉपर मेडिकेशन कर दी है। तो बताने का मकसद ये है कि आप डेली अपने जानवरों को लाजमी देखा करें ताकि अगर उन पर कोई ज़ख्म है कोई मसला बन गया उनके साथ तो उनकी जो है उसी टाइम मेडिकेशन कर दें ताकि उनका जो मसला है जो उनकी जो है ज़ख़म है जो चोट लगी है वो बढ़े ना और जो है ताकि आपके लिए काम भी ना बढ़ जाए मसला भी ना बढ़ जाए। अगर आप प्रॉपर उनकी जो है डेली उनको देखा करेंगे तो अगर कोई मसला बन भी जाता है तो उसे आप छोटे मसले को फौरन कवर करके ज़्यादा बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, मुझे फुल सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों के साथ नेक्स्ट और अमेजिंग व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।